Hi everybody, many of you wanted to know about the final outcome of Tutsi kit. So this video is all about Tutsi review, final review. Okay, so last video ये था जिसमें कि मैंने share किया था about Tutsi, यानी कि invisible aligners. And now many of you requested to upload the final results. This is it. So before proceeding to the final video, let me show you the Tutsi kit. हो सकता है कि मैंने previous video में नहीं दिखाया हो, so that's why I'm showing in this video. So this is the whole kit, total set of aligners थे इसमें. Box मैंने अभी के लिए side कर दिया है. So this is the smile tracker. Here in the first video call arranged by Tutsi with orthodontist, उन्होंने ये plan में aligners का date लिखवाया था कि कब कब change करना है after 15 days. तो आप highlighted देख रहे हैं ना, ये मैंने change कर दिया था dates because due to wedding ना I could not wear on time and all. So that's why ये चुई है. पहले मेरे पास व्हाइट कलर का था जो सेट के साथ मिला था. ये टू ग्रीन कलर का सेट मैंने एडिशनली मंगवाना पड़ा था बिकॉज वो व्हाइट वाला टूट गया था. सो दिस इज इसको जब अलाइनर फंस जाए तो इसको यूज़ करने के लिए होता है. तो मेरा ये कभी मैंने यूज़ नहीं किया एज इट इज़ है. तो ग्रीन वाला चुई तो मैंने बताया आपको, दो खरीदने की जरूरत नहीं, एक से काम हो जाएगा, काफ़ी लंबा टिकाऊ था. यह है ग्रीनी. इस तरीके से इसको लगा के हमें पूरा एंगल देना होता है, फोटो वगैरह भेजनी होती थी, वीडियो वगैरह बना के, बाकी वीडियो कॉल पर सब पहन के, इसको पहन के मतलब अलाइनर वगैरह पहन के या हटा के खाना होता था, तो वो काम आया. काफ़ी ग्रीनी लगाना भी सीख जाते हो आप. तो ये इस तरीके के लाइनर है, ये इस तरीके के बैग्स में है. इसके अंदर प्लास्टिक के लाइनर्स है, दो से दो दो रखा है अपर एंड लोअर के लिए. सो आई नोटिस सम पीपल वर कमेंटिंग दैट वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड, बट इट्स नॉट दैट. आई हैव द बिल एंड एवरी थिंग. इनफैक्ट मैं वेबसाइट पर लॉग इन करके भी दिखा सकती हूँ पेमेंट, बट वो वीडियो डाल के फिर वो ड्यूरेशन बढ़ाने का इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है. जो मेन चीज़ है वो देखिए आप. सो इस वीडियो के थ्रू आपके सभी कन्फ्यूजन्स और अभी तक जो भी लोग पूछते आ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, दे ऑल गोना गेट देयर आंसर्स इन दिस वीडियो. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, सो एज यू कैन सी एंड यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस स्माइल आई एम हैविंग ऑन माई फेस दैट या इट हैज वर्कड 90% फॉर मी, बट 10% आई हैव डिडक्टेड बिकॉज यू सी द गैप. एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है जो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है. यानी नाउ फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्लोज लुक ऑफ माई प्री एंड पोस्ट अलाइनर्स टीथ स्ट्रक्चर. सो ये जो है, दिस इज़ बैक इन अप्रैल 2021 फर्स्ट. ये मैंने शॉट लिया था क्योंकि मुझे ऑर्थोडॉन्टिस्ट ने बोला था कि देना है. सो नाउ दिस इज़ द करेंट वन. ये मैंने रिसेंटली शूट किया है यस्टरडे एंड यू कैन सी द डिफरेंस. आई एम गोइंग टू शो यू, गिव यू अ क्लोज लुक, क्लोज व्यू, सो दैट यू कैन yourself observe the difference and see whether it has worked or not. You can clearly identify that from the front it looks far 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 better. So friends, बस इसमें 90% मैं रिजल्ट इसलिए कहती हूँ, 10% ये जो ऊपर करने पर जो दिखता है अंदर का, उसकी वजह से मैंने डिरेक्ट किया है. सो वो चीज़ वर्क नहीं करी. बाकी फ्रॉम द साइड, फ्रॉम माई लेफ्ट साइड यू कैन सी इट हैज़ वर्कड एंड इट लुक्स फाइन बेटर, एंड फ्रॉम राइट साइड ऑल्सो. बस या बट या ऊपर में हल्के हल्के दांतों के बीच में हल्के हल्के गैप्स स्टिल है वहाँ पे, जो कि एक और अगर सेट ऑफ लाइनर होता तो उससे शायद सही हो जाता, बट आई विल नॉट गो फॉर दैट. अब मैं इसमें इन्वेस्ट और नहीं करूँगी, जितना है मैं उसे वहीं पर रिटेन करूँगी टीथ को अपने. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं व्यू. थोड़ा सा और अगर अंदर होता तो मैं 100% कह सकती जो कि ये गैप होता वो ख़त्म हो जाता, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता, इससे बेटर लुक आता. बट ऑल दो इवन आई एम सेटिस्फाइड विद दिस. सो मेरा इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज यू कैन सी जो अपर लिप्स है एंड लोअर लिप्स है वो थोड़े इक्वल पोजिशन में आ गए हैं. अर्लियर जो मेरे अपर लिप्स थे वो बहुत ऊपर थे, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है. मेरे बहुत ज़्यादा मेजर गैपिंग थी एंड नाउ आई कैन स्माइल कॉन्फिडेंटली फ्रीली. यू कैन सी बेसिकली जो रूल होता है, एक दांत नीचे वाले दांतों को ऊपर वाले दांत ढक देते हैं. तो ऐसे देखते हैं तो होता है, बट ऐसे देखते हैं तो वो नहीं दे रहा. अंदर का भी पोर्शन दिख रहा है इसमें हल्का हल्का. तो आई फील लाइक कि थोड़ा सा अंदर और होना चाहिए. उसके लिए मे भी कि एक अलाइनर सेट और लगता जिससे कि थोड़ा और अंदर हो जाता. मुझे दिए थे अलाइनर्स 14 सेट एंड एक रिटेनर्स. रिटेनर्स सिर्फ नाम का रिटेनर्स है, दैट इज ऑल्सो एन अलाइनर. उसको भी जब आप लगाते हो तो यू फील पेन. ओके, बट हाँ, रिटेनर आपका लास्ट, मेरा लास्ट था. बट व्हाट आई फील कि उसके बाद एक और अलाइनर होता तो मेरे जो दांत है जिसमें ये जो दिख रहा है स्पेस, ये भी और नीचे हो सकता था. दिस इज व्हाट आई फील, दैट्स व्हाई ऑलवेज से 90% 10% मैं इसलिए बोलती हूँ. बट ये है कि अगर मुझे एडिशनल अलाइनर, आई थिंक ये उनका खुद का जानबूझ का ये टेक्निक है दैट कि वो आपको 90% ही रिजल्ट देते हैं, 90% ही आपको रिटेनर्स देते हैं, सो दैट यू अप्लाई फॉर एन एडिशनल अलाइनर. बिकॉज उसमें स्टार्टिंग में क्लियरली मेंशन था दैट कि इन केस यू नीड एनी एडिशनल अलाइनर ना, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल अलाइनर. मैं चाहे तो अभी आई कैन रिक्वेस्ट देम एंड गेट वन और टू एडिशनल अलाइनर्स एंड बट फॉर दैट दे गोना चार्ज. तो उस 45,000 जो भी पैसे दिए थे, जो पैकेज लिया था, उसमें ये कवर नहीं होगा. तो इसका बचने के लिए क्या तरीका है? आई फील लाइक कि उस टाइम जो उन्होंने प्लान दिया था उसमें आई कुड हैव आस्क्ड फॉर वन और टू अलाइनर्स मोर.
ठीक है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो आपका बजट था या जो भी अमाउंट था, जो चार्ज था, वो उतने में कवर हो जाता. तो उस टाइम में गलती करी, जल्दी जल्दी से प्लान हमने अप्रूव कर दिया एंड रिटर्नर्स घर पे आ गए. सो एट दैट टाइम अगर कोई प्रोफेशनल साथ में होता और उस जो आपके पास ड्रेसेस है उसको देख के समझ जाता है कि थोड़े से और अंदर होने चाहिए था, तो फिर एक और अलाइनर के लिए हम कह सकते थे. बट एनी वेज, सो रिजल्ट आर हेयर एज यू कैन से. सो दैट्स वाई आई से 90% रिजल्ट एंड स्टिल आई एम ओके विद दैट. बट हाँ, 10% एंड यहाँ एक और डर हमेशा रहता है कि कहीं बाहर ना आ जाए. तो रिटेनर्स पहने मुझे काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी मैं बीच बीच में कभी रिटेनर्स पहन लेती हूँ बिकॉज आई फील लाइक जब भी कुछ जैसे कि आप फ्रंट से बाइट करते हो या कुछ हार्ड बाइट करते हो तो देन यू फील लाइक दैट यू टीथ आर कमिंग आउट अगेन. एंड ऐसा हुआ है, आई फील लाइक एंड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है यू नो बिकॉज एक बार तुलसी के ही किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपके अंदर जाने में बहुत टाइम लगता है पर बाहर आने में मिली सेकेंड्स नहीं लगता. तो यस, इसलिए मैं रिटेनर्स पहन लेती हूँ. जैसे दो दिन नहीं पहना, दो दिन में मुझे फील हो गया बाहर आ रहा है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है यहाँ का, तो आई स्टार्ट वेयरिंग रिटेनर्स अगेन. सो इस तरीके से मैं खुद की दांतों को बिछा रही हूँ कि जिस पोजीशन पर है एटलीस्ट उसी पोजीशन पर रहे, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है. मुझे लगता है कि अगर मैं एक साल तक रिटेनर्स ना पहनूँ तो दांत धीरे धीरे आगे आना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसीलिए आई फील लाइक कि थोड़ा सा और अंदर होता ना, तो अगर इतने भी बाहर आ जाते दोबारा से तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी पैसा वसूल होता. बट ठीक है, ऑल इट वॉज ऑल वर्थ. जो मैंने पेन सहा लास्ट वन ईयर में, दैट वॉज ऑल वर्थ. फाइनली हमेशा से जो डाउट था तुलसी पे, वो डाउट ना करके मैंने एक स्टेप आगे लिया एंड तुलसी को ऑप्ट किया. आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू ऑल कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट. बट वो मेरे टाइम का सर्विस था, आई कॉन्ट प्रॉमिस एनीथिंग एंड आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीथिंग फॉर तुलसी. सो आई कैन कैनॉट से कि अब उनकी सर्विस कैसी है एंड वॉट दे आर ऑफरिंग राइट नाउ. बट ठीक है, मेरे साथ जो भी रहा वो अच्छा रहा, सब अच्छे से हो गया. जो भी सपोर्ट चाहिए था मुझे वो सपोर्ट मिला, हालांकि फिजिकल टच कभी नहीं हुआ, वी नेवर मेट फिजिकली. तो उसी के कोई स्टोर कुछ नहीं है, तो या मुझे कभी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा हमेशा वीडियो कॉल के थ्रू हुआ सब कुछ, सोल्यूशन सब सॉर्ट रहा, वीडियो कॉल के थ्रू भी सब सॉर्टेड रहा. तो या एवरीथिंग वॉज गुड फॉर मी लकीली एंड आई होप इट स्टेज गुड फॉर यू एज वेल. सो या आई होप कि आपको अपने फाइनल आंसर्स मिल गए हो एंड फाइनल रिजल्ट आपने देख लिया है. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, मेरा पुराना वीडियो और अभी का वीडियो मैं पुराने पिक्चर्स भी यहाँ लगा दूंगी. इफ़ यू थिंक दिस सेम्स प्रीटी फाइन टू यू देन यू कैन गो फॉर इट. एंड या इन केस यू लाइक माई वीडियो, दिस वीडियो और दैट वीडियो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.